खतरनाक है सांप, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा कहीं दिखा दीजिए दोस्तों, इतना बिग साइज का है। आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों अभी कुछ सूचना काल आया है ग्राम बढ़िया बुजुर्ग से कि वहाँ पर एक घर है और घर में एक बहुत ही बिग साइज का इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा सांप दिखाई दिया है। तो दोस्तों हम लोग देखिए उस गांव के बाहर ही हैं, जस्ट हमारे पीछे हैं, यही हाईवे पकड़ के हमको जाना है। और दोस्तों आप लोग देखिए रहे, रात का समय है, तो दोस्तों इस रात के टाइम में ही सांप अपना शिकार करने के लिए बाहर सब निकलते हैं सब, तो घर में दिखाई कहीं ना कहीं वो दे दिया है। और दोस्तों आजकल पता है कि बरसात स्टार्ट हो गया है, अब बारिश जैसे मतलब बारिश होगा और खेतों में मतलब हर जगह पानी भरेगा, वैसे ही सांप भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सब दिखाई देंगे सब। और दोस्तों जो सांप होते हैं वो ज़्यादातर रात में ही मतलब शिकार करने के चक्कर में और मतलब बाहर आते हैं सब। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, यही सब आपसे बताना है कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और यही सब बातें हैं। तो ठीक है दोस्तों, समय ना गवाते हुए आप हमारे वीडियो के अंदर बने रहिएगा और चलिए उसको पकड़ के निकाल के दिखाते हैं कौन सा सांप है और क्या सांप है। आइए बाबू लम्बे लम्बे भागे सुन क्या आप लोग थोड़ा दूर रहेंगे दोस्तों। इसे आप लोग देख सकते हैं बढ़िया बुजुर्ग गांव है और इस गांव में एक घर है, मकान देखे भी इसका मतलब बन रहा है और इसमें देखिए बिग साइज का इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा बैठा हुआ है, करीब से दिखा दीजिए। हाँ इसे आप देख ही सकते हैं दोस्तों, इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा है, काफी बिग साइज का है। अच्छा इसके नीचे से उस पार नहीं जाएगा? नहीं नहीं इसका रेस्क्यू करने का कोशिश करते हैं। अरे बाप रे दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं काफी बिग साइज का है दोस्तों और बहुत टफ जगह है, देख ही सकते हैं दोस्तों बहुत ही खतरनाक है सांप, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा कहीं दिखा लीजिए दोस्तों, इतना बिग साइज का है कि एक बाइक में किसी की भी जान ले सकता है। ऊपर ही आएगा, नीचे के जाएंगे तो दोस्तों नीचे आ चुका है, देख सकते हैं दोस्तों यही नाग है। चलिए जगह है क्या उधर? हाँ इधर जगह है, नहीं इधर जगह है, सड़क पाइए ना, सड़क ही पे ले जाइए, इतना डर रहा है। डब्बा मंगाएगा भाई, डब्बा नहीं हमारा जी, डब्बा डाउट चॉकलेट वाला जंडी तेज जानवर है, सुनिए सांप एक बस जानवर है, ठीक है ना, जब तक आप लोग इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक ये गारंटी कुछ नहीं करेगा। अगर आप लोग मारेंगे जाकर, बहुत लोग देखता हूँ ढेला मतलब मारते हैं, डंडे से खोदते हैं सब, अगर ऐसा करेंगे तो आपको दुश्मन मानेगा और दुश्मन मानेगा तो आपको जरूर बाइट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको देखिए तो आप लोग छेड़िए मत, जहाँ है वैसे ही छोड़ दीजिए और मैं है हूँ पकड़ने के लिए। हाँ वहीं पर पढ़ते हैं सर, जल्दी अगर शाम से हेलो थोड़ा खेत में काम करो सावधानी से करके क्योंकि हाँ फेंक दीजिए ढक्कन फेंक दीजिए पर ढक्कन दीजिएगा तो झोला, इसमें गर्मी का बहुत टाइम है, झोला में सांस नहीं ले पाते ठीक से,
हाँ हो जाएगा निश्चिंत। अरे काहे नहीं, अभी सब व्यवस्था बना देंगे, निश्चिंत रहिए। चाकू को मिल जाएगा क्या? इसको ऑक्सीजन अंदर गैस बन जाता है ना, तो ऑक्सीजन पाने के लिए बस बनाना है। सुबह ने चाकू किसी को इतना पर्याप्त। इसे जानते क्या होता है, इसे अंदर गैस नहीं बनता है ना, ऑक्सीजन आराम से ले, वो लेता रहेगा, डब्बा है चारों तरफ से लॉक हो जाता है। तो मान लीजिए इसको भी इसे पूरा, अभी ये यंग है, नौजवान है सब। चलिए पर्याप्त हो गया, जाओ हाँ पकड़िए ना बहु। चलिए हाँ आइए, जहाँ इंजेक्ट कर देता है ना तो दिक्कत हो जाती है। हाँ तो इसीलिए कहता हूँ समझदार बनिए, कोई भी सांप काटे तुरंत आप लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। और गोरखपुर में कहूँ सदर में बात हुआ है, वहाँ पर सदर में इतना बढ़िया मात्रा में एंटीवेनम उपलब्ध है, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटीवेनम है। अगर आप लोग जाएंगे तो गारंटी जान बच पाएगी वहाँ सदर में, ठीक है। अगर आप लोग सतीमे के स्थान पर जाएंगे, कहीं दवा पिलाने के लिए जाएंगे तो गारंटी मौत होनी होनी है। कितना समय तक हम लोग जा सकते हैं? हाँ समय बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। समय जब सांप काटता है, जो घूमन सांप है ना, ये जब काटेगा आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है उसके ऊपर है। और आप अगर दिल के बहुत मजबूत हैं, जैसे बहुत लोग हार्ट अटैक से मतलब ज्यादा लोग मतलब पड़ते हैं, सांप काट लिया अगर बिना जहर वाला काट रहेगा तब भी लोग सोच देते अरे काट लिया मर जाऊंगा। तो यही बस बातें हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, यही बस एक जीव है। ऐसा नहीं है कि तुरंत काटेगा तुरंत मौत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो जब काटता है तो 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का टाइम आपके पास रहता है, ठीक है। अगर आप बहुत दिल के मौजूद तो आप 2-3 घंटे तक जीवित रह पाएंगे आराम से, ठीक है। तो इसमें बस फायदा ये कि आप अपना प्राथमिक उपचार करिए, जो अगर नहीं तो मेरे पास आप फोन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल के अलावा कहीं दूसरे जगह बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं दूसरे तीसरे जगह जाए तो गारंटी मौत होगी, 100% मौत होगा, ठीक है। अगर झाड़ फूक का दवा पिलाने के चक्कर में गए तो, और अगर इंजेक्शन लगाएंगे एंटीवेनम सीरम लगेगा तो गारंटी जिंदगी बच जाएगी। और अभी तो देखिए टाइम आ गया सांप का, ये बरसात स्टार्ट हो गया है, अब सबसे ज़्यादा सांप निकलेंगे सब, क्योंकि चारों तरफ पानी भर जाता है। और जो सांप है सब ऊंचाई की तरफ भागते हैं, सब सूखे की तरफ, क्योंकि जहरीले सांप पानी में ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप रात को निकलिए, कहीं भी खेलवा जाइए तो टार्च, बिना टार्च के आप लोग बिल्कुल मत जाइए, टार्च ले लीजिए, नहीं तो मतलब कोई भी अपने आवश्यकता अनुसार ले लीजिए। तो यही इसी में समझदारी। और आप क्या कहते हैं, बाहर है आपको रहता है? हाँ इस समय कोई रह रहा है, लेकिन पहले हाँ तो रात में मान ली खेत में आपका घर है तो रात बिरात कहीं उठिए उठिए मान लीजिए तो बिना टार्च के आप लोग, क्योंकि पैर पड़ेगा तो 100% काटेगा, ठीक है। और कोई बात नहीं है, तो यही सब बातें और आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। यूट्यूब आप लोग देखते भी रहिएगा, उस पर मैं जानकारी भी देता रहता हूँ कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे जान बचाएं, ये सब बताता भी रहता हूँ, ठीक है। तो उस पर देखेंगे तो और अच्छे से मतलब ज्ञान आप लोगों का हो पाएगा सांप के बारे में, क्योंकि सांप के प्रति लोगों के मन में इतना भ्रांतियाँ हैं ना, लोग इतना गलत समझते हैं, लोग कहते हैं छू देगा तब मतलब मर जाएंगे सब। बताइए, मैं तो रोज़ कम से कम 4-5 ऐसे छूता हूँ सांप, तो मेरे मुझको क्यों नहीं बताया, मतलब मैं भी एक इंसान ही हूँ। वही बता, छूने दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको छूने से कुछ हो जाए, ठीक है ना। कोई दुनिया में ऐसा कोई सांप ही नहीं है जिसको छूते, दुनिया में ऐसा कोई सांप भी नहीं है कि तुरंत काटेगा तुरंत मौत हो जाएगा, नहीं, दुनिया में भगवान ने ऐसा कोई सांप ही नहीं बनाया है, लेकिन बस आप लोगों के डर के कारण ऐसा होता है, ठीक है। हार्ट अटैक हो जाता है। अब बोला कोबरा जो सांप है, सांप है ना 80% फाल्स बाइट करता है। फाल्स बाइट का मतलब समझते क्या होता है, फाल्स बाइट मतलब होता है काटेगा एकदम दांत धंसा देगा, लेकिन अपना जो जहर होता है वो इंजेक्ट नहीं करेगा, आपके बॉडी में छोड़ेगा नहीं, जहर नहीं छोड़ेगा, ये बस आपको डरवाने के लिए ताकि आप मुझसे दूर भाग जाओ। सांप ये कहेगा कि आप मुझसे दूर भाग जाओ, सांप सबसे पहले मतलब यही चाहता है। लेकिन लोग क्या जानते हैं, लोग मारने में बस तुले रहते हैं कि मार दो, काल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 80% सब फाल्स बाइट करते हैं सब, तो इस फाल्स बाइट में मतलब काटते हैं सब, जहर नहीं छोड़ते हैं सब। और वो देखिए जब वो जहर तभी छोड़ेगा जब उसे मारने जाएंगे, डंडे से मारेंगे तो वो जान ही जाएगा कि अब या तो मतलब मुझे मार देने तो मैं इनको मार दूंगा। अगर उस स्थिति में अगर काटता है तो मौत बहुत दर्दनाक मौत होगी, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो। इसीलिए आप लोग सांप को मारने का कोशिश मत करिएगा, सांप दिखाई दे मैं पास ही का हूँ, आप लोग फोन करिएगा मैं चलाऊंगा, साथ ही सांप भी बच जाएगा,
इंसान भी बच जाएगा, ठीक है ना, इतना बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे हैं जिस उस बिग साइज का इंडियन स्पेक्टल कोबरा सांप को हमने रेस्क्यू किया था, किया हूँ अभी जस्ट, तो उस सांप को देखिए हम लोग जंगल में रिलीज करने के लिए आ गए हैं। और दोस्तों आप लोग देखे ही हैं कितना फुर्तीला और कितना बिग साइज का था वो सांप, जो दीवार में ऐसे चपक के बैठा हुआ था और काफ़ी खतरनाक भी था और बेहद जहरीला भी था। और दोस्तों उसका अपना केचुली उसी टाइम अभी जस्ट कुछ पकड़ने से एक घंटे पहले केचुली अपने वहीं पास में उतारा था। तो दोस्तों देखिए ये सांप है, इसको पकड़ के जंगल में रिलीज करने के लिए आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना बिग साइज का है, आप लोग देखिए दोस्तों, यही नाग है, पिटार है, गोहमन है, सारा नाम इसी का है। तो ठीक है तो इसको रिलीज करते हैं दोस्तों, जंगल है आप लोग देख ही सकते हैं कितना खतरनाक है। अभी दोस्तों धीरे धीरे जंगल में कहीं ना कहीं सरकते हुए चला जाएगा, अभी आप देख ही सकते हैं गांठ लग गया लग रहा है, फंस गया, जकड़ गया लग रहा है, जकड़ नहीं गया यार, नहीं, नहीं निकल जाएगा दोस्तों, देखिए अभी चाहेगा निकल जाएगा अभी कुछ दूर पे। देखिए दोस्तों अभी धीरे धीरे आप दिखा दीजिए, तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना फुर्ती के साथ जंगल में जा रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। अब देखिए दोस्तों झाड़ी के उस पार अब पूरा देखिए घुस गया कहीं बिल में, माद में चला गया, आप लोग देख ही सकते हैं। तो जैसे देखिए आप छोड़ते का सांप जा चुका है। तो देखिए इस समय रात के कम से कम 11-12 मतलब बज रहे हैं, और इतने रात को मैं इसको डब्बे में मतलब कई घंटे पैक करना मतलब मुनासिब नहीं समझा, ताकि इसको डब्बे में एकदम ऐसे एक तो छोटा जगह मतलब जगह कम था और इसको उसी में रात भर एक मतलब वो रखना उचित नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने इस रात में ही जंगल में आने का हमने फैसला किया। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं और देखिए सांप भी रिलीज कर दिया है। तो ठीक दोस्तों बस यही कहना था आपसे, और दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद।